हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी को। गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले होंगे या 6 बज गए होंगे, मैंने घड़ी नहीं देखी अभी। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आज मैं कुछ करने वाली हूँ, रक्षाबंधन के रह गए 2 दिन, तो क्यों ना अपनी स्किन को चमकाया जाए घरेलू चीज़ों से। और क्या क्या चीज़ चाहिए, आप घर पर ही फेशियल कर सकते हो आसानी से और बहुत अच्छा चमक धमक अपने मुँह पर ला सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर देख रही हूँ, मेरे को लगा कोई देख रहा है मुझे, तो कोई देख नहीं रहा है मुझे। क्या क्या सामान चाहिए तो आपको आसानी से आपकी किचन में मिल जाएगा, एक टू जेड मिल जाएगा। कुछ चीज़ ऐसी होती है कोई बात नहीं, और अवॉइड करके दूसरी चीज़ है तो दूसरी चीज़ ऐड कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को लग रहा है कुछ फेस पे आज करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और अपने फेस को सुंदर बनाया जाए। काला हो चाहे गोरा हो, अपने फेस पे चमक होना बहुत ज़रूरी है। बाल सही, स्किन सही, कपड़े सही, देखने में अच्छे लगने चाहिए। छोटे बड़े काले गोरे से कोई मतलब नहीं होता, छोटे बड़े का मतलब बाल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, काम तो वैसे बहुत है, मैं सोचा चलो थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं आप लोगों की खातिर, मैं क्या क्या करती हूँ। और तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यार, एक तो लाइट ना आ रही है, कमरे में तो अंधेरा अंधेरा आ जाएगा, कैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी बारह मिली मुझे कभी जम नहीं पाई, सारी पिघल गई और नहीं आ रही, इसलिए तो यहाँ पर पहले सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप करेंगे हम बर्फ़ से, इसको लगाएंगे अपने पूरे फेस पे अच्छे से। एक टमाटर, टमाटर को करेंगे लगाएंगे हम पिसी हुई शुगर और अच्छे से करेंगे इसका स्क्रब। आ चुकी है तो मैं अब स्क्रब करने जा रही हूँ। तो मैंने क्लींजिंग कर लिया है टमाटो से, अब मैं कुछ पोटैटो और इसको निकालूँ जूस। जूस निकालने के बाद इसको बेसन में ऐड करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे। मैं अच्छे से मैश किया और आलू के रस में जैसे आपको मैंने बताया, और मैंने फेस पे लगाया, लगाते समय नहीं दिखा पाई क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी इसलिए। और मैंने यहाँ पे कम से कम 20 मिनट लगा के छोड़ दिया और मैं इसको धोने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं फेस धो के आ चुकी हूँ, बस दो ही स्टेप करी हूँ और कितना अच्छा, मतलब एकदम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और साफ़ सुथरी स्किन आपके सामने ही है, कोई फेक नहीं है। और बहुत मतलब हफ्ते में अगर दो बार, अगर महीने में 2-3 बार करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट क्या होता है हम कर नहीं पाते यार। तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला तो लाइट नहीं थी जैसे आपको पता ही, अभी भी देखो चार्जिंग के लगा के तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अब इस पे लगाऊंगी मैं राइस वाटर, उसके बाद बस छोड़ दूँगी स्किन ऐसे ही। हाँ जी बोलो, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके बाय बाय। हैप्पी हैप्पी रक्षा। बस किसी ने मेहंदी लगा ली जरूर बताना, मैंने तो लगा ली है, देखो मुझे ऐसी वाली अच्छी, और वैसे मुझे डिजाइन आती भी नहीं है तो यहाँ पे हमने अभी लगा ली है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे आप सबका। वेलकम है एक न्यू ब्लॉग में, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो भाई टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और मैंने मेहंदी लगा ली थी रात में ही, क्योंकि दिन में नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। आज धूप बहुत तेज है और मुझे बनाना है बहुत सारा खाना, 4-5 लोगों का। मैं सोचती हूँ जिस दिन त्यौहार है तो कोई ना कोई मेरे रूम पर खाना खा, तो मुझे अच्छा लगता है सही बताऊँ तो मैंने खाने के लिए क्या क्या तैयारी करी तो मैं बहुत दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अरबी को धो लिया है और यहाँ पे दाल को भी धो लिया, जो मुझे दाल वाली कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और ब्रेकफास्ट में मैगी खा ली, पराठा भी आया था बट पराठा नहीं खाया, हमने सोचा पराठा अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर पूरी कचौड़ी नहीं खाई जाएंगी। और मैं सोच रही हूँ टमाटर आलू बना लेते हैं फटाफट, खाना बनाने के बाद नहाना धोना, बच्चों को नहलाना, फिर होएंगे रेडी, क्योंकि 1 बजे से है आज रक्षाबंधन और लेट है तो मैं लेट ही जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी वो तो सबको पता ही है। मुश्किल ही लग रहा है, जा भी सकती हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है अभी से, अगर दीदी का ज़्यादा फ़ोन आया तो जा सकती हूँ, वरना नहीं जा सकती। और मैं कौन सा सूट पहनूँगी अब, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि सूट ही पहनूँगी, सूट अच्छा लगता है ना गब्बू? गब्बू की कटिंग करा दी, देखो लकड़ा बना दी। और क्या बोलते हैं, फटाफट भाई खाने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा जब इतने लोगों का खाना बनाएंगे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा जैसे मैंने वो बनाने, मतलब गिर जाएगी बेटा, मैं इसी अरवी में ही रख देती हूँ 1-2 आलू उबलने के लिए, है ना, क्योंकि काम हमें करना है हमें पता है तो हमें फटाफट कर लेने हैं। और ये कितना नुकसान करके आ गई, ये देखो ये चंदन है पूरा डिब्बी फैला दी, ये लड़की ऐसा करती है कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। तो चलो पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद दिखाऊंगी मेरा खाना क्या क्या बना लिया मैंने। कचौड़ियों के लिए दाल फ्राई कर ली, मतलब
थोड़ा सा फ्राई करनी पड़ती है तभी टेस्टी बनती है। हरी मिर्ची लगाई है, लाल मिर्ची नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि अच्छी लगती लाल मिर्ची। इसमें मैंने अरबी और क्या बोलते हैं आलू उबलने रख दिए थे, उबल चुके हैं, इसकी गैस निकलने को है। तो मैंने चटनी पीस ली है मोटी मोटी, अच्छी लगती मोटी अरवी के लिए। यहाँ पर टमाटर भी निकाल लिए कट करने के लिए फटाफट फटाफट। चौड़ी का ये पूड़ी का और ये इसकी बनाएंगे खजूर बोलते हैं हमारे। और यहाँ पर मैं तैयारी बिल्कुल फुल कर ली है, कढ़ाई चढ़ा दी, कल कढ़ाई कितनी काली लग रही है, कल टोनर बनाया था ना इसमें और ये दाल फ्राई कर ली थी, तो चलो फटाफट बना लेते हैं। बन चुके हैं पूड़ी और कचौड़ी और खा भी लिया हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा लेट इसलिए सारी चीज़ों की क्लिप लेना भूल गए। ज़्यादा कुछ नहीं था, रायता था, अरवी की सब्जी थी, आलू की सब्जी थी, कचौड़ी थी, पूड़ी थी, बस और कुछ नहीं था। खीरा काट लिया था और एसी वाले भैया लोगों को सबको खिला दिया, हमने भी खा लिया। अब थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, फिर करेंगे तैयारी। और कई जगह पर बांध भी दिए राखी अभी, और हमने अभी नहीं बांधी क्योंकि जब कोई चीज़ पता लग जाती है फिर नहीं होता यार, ऐसा गंदा सा लगता है, तो इसलिए तो गुड़िया की कर दूँ मैं कंघी, है ना बेटा। चलो और मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है, कुछ देर जा रही, देख बादल आ गए, देख मशीन ढक दूँ मैं, बेटा कंघी ला पहले तू। क्या प्रेस भी हुई फिर भी नहीं छोटा, पता नहीं बहुत पुख्ता हो गया कागज़। और ये वाला सूट पहना है मैंने, गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है। मैंने मुंह पर कुछ भी ही नहीं लगाया, कुछ भी। और तो चलते हैं भाई। और पता है मेरे YouTube वालों ने मेरा चैनल बंद कर दिया, कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग जो भी है वीडियो है शॉर्ट एंड लॉन्ग लेट आएंगे, ठीक है। रक्षाबंधन से पहले की भी, क्योंकि आज एक दो ब्लॉग मेरे पहुंच जाते पर मिस्टेक क्या हुई, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि उम्मीद नहीं होती वो काम हो जाता है, तो वही हो गया मेरे साथ। चलो कोई नहीं, तो मैं जा रही हूँ, दीदी के कई फ़ोन आ गए, वैसे मन नहीं था, 6 बज चुके हैं, बिल्कुल मन नहीं था जाने का, और जा रही हूँ। प्रियम बार बार कह रही है कि मम्मा चलो, फिर मैं चलो, मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर बहुत ज़्यादा योग्यता तो बहुत लंबी है, प्रियांशी से बहुत लंबी है योग्यता, देख फोटो दिखाई दे रही है मम्मी को, और अपनी इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ये है दीदी का गांव, दीदी जलेगा, जल जाए। अभी तक तो कैमरा साफ आ रहा है, अब थोड़ी देर बाद नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद देखना अंधेरा हो जाएगा। इधर देखना दीदी, ठीक है भाई, हाथ लगाओ, रुक जाने, मिठाई नहीं खिलाई नहीं, और काटा तो 14 मिनट की बनाएगी तू, पूरा।